बनाएंगे, जहाज बनाएंगे, आपका देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे, सामाजिक स्तर को बढ़ाएंगे। हमारे देश के भोले भाले लोग उनके झांसे में आ गए, कि भाई ठीक है चलो मेरा देश का विकास करने आया है करो। हमारे देश के भोले भाले लोग विश्वास कर लिए और वह विकास के नाम पर हमारे देश का शोषण करना और दोहन करना शुरू कर दिए। और जब बाद में पता चला कि हम उनके गिरफ्त में आ गए हैं, वे यहाँ हमारा विकास करने नहीं, हम पर जुल्म करने, हम पर अत्याचार करने, हमारा कच्चा माल को ले जाकर अपने देश में अधिक मूल्य पर बेचने का काम करने के लिए हमारे देश में आए थे। बाद में पता चला, लेकिन कहा गया है कि जब चुग गई चिड़िया खेत तो क्या कीजिएगा। उसके बाद आंदोलन और लड़ाई और विद्रोह शुरू हुआ और हजारों लाखों लोग इस लड़ाई में मारे गए, हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग बलिदान दिए, तब जाकर 1947 को मेरा देश आजाद हुआ। सारे लोग हम लोग उल्लेख रहिएगा इसे ना, नहीं है जब देश आजाद हुआ तो देश को चलाने के लिए अपना संविधान नहीं था, अपना द्वारा संविधान तो था लेकिन अंग्रेज का ही संविधान था। तो भाई बोला गया कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो मेरा अपना संविधान भी होना चाहिए। तो कमेटी बना, संविधान सभा का कमेटी बना जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सभापति थे राजेंद्र प्रसाद और जो उसको ड्राफ्ट किए थे बनर्जी साहब थे। यह कमेटी बना और कमेटी संविधान को तैयार कर दिया। 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था यह संविधान जो था, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था पूरी तरह, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, एक साल बाद लागू हुआ था यह संविधान। और उसके बाद हमारा अपना देश, अपना संविधान, अपना नियम, अपना कानून। आपके जो घर में जो पूर्वज हैं जो आज़ादी से पहले के होंगे, अगर जीवित होंगे तो उनसे पूछिएगा कि आज़ादी से पहले देश का क्या माहौल था। जिस तरह से हम लोग इकट्ठा हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, हमारे देश के लोगों को, हमारे गांव के लोगों को इकट्ठा होने का आज़ादी नहीं था। आप समूह में 150 की संख्या में जुलूस नहीं निकाल सकते थे, गांव में आप थे तो आप 150 का मीटिंग नहीं कर सकते थे, यह आपकी आज़ादी नहीं थी। बड़े बड़े स्कूल में अंग्रेज के बच्चे पढ़ते थे, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में आपका मेरा दवाई नहीं होता था। आज भी अगर हम बीमार हैं, आप बीमार हैं और बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ BPL का इलाज फ्री में होता है, लेकिन उस समय वैसा नहीं था। अंग्रेज के बच्चे, अंग्रेज के घर वाले, उनका ही इलाज होता था वहाँ। बड़ा बड़ा स्कूल, बड़ा बड़ा कॉलेज में अंग्रेज के बच्चे पढ़ते थे। तो मेरा अपना संविधान बना और वह संविधान में 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है उस संविधान का। सबका आर्टिकल बना, उसमें आपको मिला क्या मिला, मौलिक अधिकार मिला। सबसे पहले आपको मौलिक अधिकार मिला, आपको क्या मिला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, विचार की अभिव्यक्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ना, उसमें आपको मौलिक कर्तव्य भी है। अब आपको अधिकार मिला है तो उसके बाद मौलिक कर्तव्य भी है कि आपका देश के प्रति, आपका राज्य के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य का भी निर्वहन करना है। ये नहीं कि हम अधिकार मिल गया, अधिकार का हम गलत खनन कर रहे हैं। आपका कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है आपका, सरकारी सामानों की सुरक्षा करना, धार्मिक स्थलों, धार्मिक चिन्हों को क्षतिग्रस्त नहीं करना। बोला कहीं जाते हैं तो लिखा रहता है कि यहाँ थूकना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, लिखा रहता है ना। आप यहाँ पे आए हैं घूमने कहीं, तो आप इसको क्षतिग्रस्त ना करें, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, लिखा रहता है। तो आपको अधिकार मिला है तो आपका देश के प्रति, समाज के प्रति, राज्य के प्रति कर्तव्य भी है, उस कर्तव्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। तो यह जो है अभी के डेट में हमारे देश में समानता का अधिकार है, सारे लोग इक्वल हैं, समान हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई किसी भी धर्म से बिलोंग कर सकता है, इसकी आजादी है, अपने बात रखने की, विचार रखने की आजादी है। यह कौन दिया, यह संविधान दिया। और संविधान को मनवाने के लिए कौन जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट। अगर संविधान में लिखी बातों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बनाया गया है। आप संविधान में लिखी बातों का हनन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसका दुरुपयोग भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी संविधान के कड़ी में आपका गांव है, आपका विद्यालय है, आपका विद्यालय है, मेरा विद्यालय नहीं है। आज हम लोग यहाँ हैं, कल हम लोग कहीं चल जाएंगे।
आप इसको अपना विद्यालय है, आपके गांव का चीज है, आपके द्वारा बनाया गया चीज है, आप कैसे इसको नुकसान पहुंचाते हैं आपको समझ में नहीं आता है। आपके गांव के बच्चे कैसे विद्यालय में तोड़ फोड़ करते हैं, देखिए वहाँ तोड़ तोड़ दिया था, खेलते खेलते खाजा बनवा दिया से बैठ से टूट गया। हमको कुछ नहीं कहना है, ये आपका चीज है, इसका संरक्षण भी, इसका देखभाल भी करने की जिम्मेवारी